बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सुपर डुपर फ्लफी ऑमलेट की रेसिपी लेके आया हूँ। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग इस रेसिपी में करते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह आज सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। करना आपने क्या है, चैनल को जनाब आपने सब्सक्राइब करना है, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर हम 4 अंडे लेंगे और इनकी जो जर्दी है उनको अलग कर लेंगे और जो वाइट है उसको अलग कर लेंगे। बहुत आसान होता है ये, आप देख लें, ये आप हाथों से भी कर सकते हैं उंगलियों में डाल के। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो ये इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि जो एग वाइट होती है जब हम इसको बीट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फोमी हो जाती है। अगर इसमें जर्दी भी शामिल हो तो ये इतने अच्छे से बीट नहीं हो पाती। 1/2 टीस्पून इसमें नमक आ जाएगा और इसको आपने तब तक बीट करना है जब तक ये साइज़ में 4 से 5 गुना ना बढ़ जाए। ये देखें आप, और ये फोमी हो जाएगी, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा, जैसे ये देखें। अब आपने क्या करना है, इस सर्दी को इसके अंदर आहिस्ता से मिक्स कर देना है और देखिए कितना खूबसूरत कलर आएगा। तो एक और बात, आप ये हैंड बीटर से भी कर सकते हैं मशीन के बगैर, लेकिन वो करने से आपकी कलाई जो है वो थक जाएगी, फिर जाके ये इतना फ्लफी होगा। तो आइए पैन की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने लिया है कुकिंग ऑयल का। अगर आप मक्खन डाल दें तो सुभान अल्लाह, इसमें इस फ्लफी फोम को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो ख़ास बात, लोगों से ये कच्चा रह जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसको तेज़ आंच पे पकाते हैं। ये बिल्कुल लो टू मीडियम आँच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। एक्चुअली इसको कुक नहीं करना, इसको हमने बेक करना है। इसको आप प्लेन कर दें और इसके ऊपर बिल्कुल लो आंच करके आपने ढक्कन रख देना है, और बिल्कुल यानी कि 0 आंच पे इसको आपने पकाना है 3 से 4 मिनट। ये जलेगा नहीं नीचे से, लो आंच के ऊपर। और उसके बाद इसकी जो कंडीशन होगी नीचे से, मैं आपको चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिएगा जनाब आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। तो जनाब इसी बात पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई आपकी फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहा करें, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके लिए बनाऊँगा। तो ये बहुत से लोग फरमाइश कर रहे थे इस चीज़ की, तो मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। अब आपने इसको फोल्ड करना है हाफ मून की तरह, और ये ले आप डबल स्पैचुलास की मदद ले सकते हैं, आप दूसरे हाथ की मदद ले सकते हैं। फोल्ड करने के बाद जो अहम स्टेप है वो ये कि आपने इनकी साइड्स को भी इस तरह से कुक करना है, ठीक है। और जैसे दोनों साइड्स जो हैं कुक हो चुकी हैं, ये साइड को भी आपने कुक कर लेना है, और तकरीबन ये 1-1/2 मिनट में हो जाएगा। तो आइए प्लेट में निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखिए कामता हुआ और हिलता हुआ हमारा शानदार फ्लफी ऑमलेट। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।